Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. How are you students? Hope all of you are fine. Students, it's our sixth standard. And the book we consulted is Geography. And our chapter is India at a Glance. Continue. ये जो हमारा chapter है India at a Glance, ये कल हमने start किया है. तो ये हमारा chapter continue है. तो कल वाली जो हमारी video थी उसमें हमने पढ़ा था हिंदुस्तान जो है इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ किसके साथ टच करती हैं और इसका जो एरिया इसका कितना है और इसकी लोकेशन सेटिंग हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है इसकी लोकेशन सेटिंग क्या है और इसकी नेबर्स इंडिया के नेबर्स कंट्री जो हैं वो कौन कौन सी हैं ये कल हमने पढ़ा था. तो आज जो है हम इसका पोलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पढ़ेंगे. पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया. पोलिटिकल एंड political and administrative division of India. political and administrative division of India आज इसके बारे में हम बात करेंगे पढ़ेंगे. India has divided into 29 states and 7 union territories. ये जो हिंदुस्तान है इसकी 29 states हैं और 7 union territories हैं. I 7 नहीं है बल्कि J&K है जो जम्मू एंड कश्मीर है ये अलग union territory बन गई है. तो I जो है आज इसकी 8 union territories हैं. दिल्ली is the national capital. दिल्ली जो है ये हिंदुस्तान का national capital है राजधानी है. Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state in term of area. अगर area के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान जो है ये सबसे बड़ी state है इंडिया में. ये सबसे बड़ी state है. उसके बाद गोवा जो है area के हिसाब से रकबे के हिसाब से सबसे छोटी state है. तो India has divided and to 29 states and 8 union territories. Okay, Delhi is the national capital. Delhi is the states क्योंकि जो J&K अलग हो गई ये J&K जो है ये यूनियन टेरिटरी बन गई. उसके अलावा उसके बाद ये जो स्टेट्स हैं 28 रह गई 29 नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी बल्कि जो ये यूनियन टेरिटरीज हैं ये 7 से 8 हो गई और स्टेट 29 से 28 पे आ गई. दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. ये जो दिल्ली है ये हिंदुस्तान की कौमी राजधानी है. उसके अलावा राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द smallest स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया. रकबे के लिहाज से स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया. राजस्थान जो है ये लार्जेस्ट स्टेट है रकबे के लिहाज से और गोवा जो है ये smallest स्टेट है रकबे के लिहाज से. राजस्थान जिसकी राजधानी राजस्थान की राजधानी क्या है उसकी कैपिटल क्या है जयपुर एंड जो गोवा है इसकी कैपिटल क्या है पणजी. ओके ये जो है ये इसका है पॉलिटिकल डिवीजन. उसके बाद फिजिकल डिवीजन इसके
हम पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीजन इसके क्या है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड को। अब इसके हम फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे। ये पॉलिटिकल डिवीजन थे, ये क्या थे? पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब इसके हम फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन क्या है? द हिमालयाज एंड द नॉर्थ आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पैरेलल रेंज। द थ्री मेन पैरेलल रेंज आर ग्रेट हिमालयन आर हिमाद्री, मिडल हिमालयन आर हिमाचल एंड शिवालिक। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयन। इन द वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेटर इंडियन डेजर्ट। ओके, क्या है फिजिकल इसके? ये जो है द हिमालयन इन द नॉर्थ, द हिमालयन हिमालयाज इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन, आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पैरेलल रेंज। कौन कौन से हैं तीन रेंज? नंबर वन द ग्रेट हिमालया, द ग्रेट आर, इसका एक और नाम है आर हिमाद्री, हिमाद्री। नंबर टू मिडल हिमालया एंड नंबर थ्री इज मिडल हिमालया आर, इसका भी एक और नाम है हिमाचल, मिडल हिमालया आर हिमाचल। नंबर थ्री जो है शिवालिक रेंज, ठीक है ना। कौन कौन से रेंज हैं इसके? द ग्रेट हिमालयाज रेंज या हिमाद्री रेंज, मिडल हिमालयाज रेंज और हिमाचल रेंज, शिवालिक रेंज, ये इसके तीन रेंज हैं। इसमें तीन फिजिकल रेंजों में डिवाइड हुआ है। उसके अलावा द नॉर्थन इंडिया प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालय। जो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो हैं साउथ ऑफ हिमालय में हैं। कहाँ पे हैं? साउथ ऑफ हिमालय, साउथ ऑफ हिमालय में। ओके, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे क्या है? जो इंडिया का सबसे बड़ा सहरा है, जिसका क्या नाम है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये कहां पे है? इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है। द हिमालयाज इन नॉर्थ आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पैरेलल रेंज। ओके, ये हमने अभी पढ़ा। उसके बाद टू द साउथ ऑफ नॉर्थ प्लेन्स लाइज द पेनासोलर प्लेटोस। टू द साउथ, इसका जो साउथ साइड है, उसका जो नॉर्थ एरिया है, वहां के जो प्लेन्स हैं, वहां पे क्या है? पेनासोलर प्लेटोज है। उसके बाद अरावली हिल्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। एक
हिल्स है, पहाड़ी सिलसिला है, अरावली। क्या है? अरावली वो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट पहाड़ी सिलसिला है। ओके, अरावली हिल्स। कौन सा? अरावली हिल्स। अरावली हिल्स, अरावली हिल्स। ओके, द वेस्टर्न घाट्स आर सह्याद्री बॉर्डर्स द प्लेटो इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। ये जो हैं वेस्टर्न घाट्स हैं या सह्याद्री बॉर्डर हैं, ये प्लेटोज में जो हैं इन द वेस्ट वेस्ट साइड में, एंड और नॉर्थर्न घाट पे ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये ईस्टर्न बाउंड्री हमारे मुल्क को प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन अरबियन सी। जो आइसलैंड हैं, जजीरे हैं, कौन से? लक्षद्वीप जजीरे हैं, वो कहाँ पे लोकेट हैं? अरबियन सी में लोकेट हैं। ओके, द एंडामान एंड द निकोबार आइसलैंड लाइक टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। ये जो एंडामान और निकोबार आइसलैंड हैं, ये कहाँ पे वाकया हैं, ये कहाँ पे लोकेट हैं? साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड में ये वाकया हैं। ओके, ठीक है। तो आज का ये हमारा हो गया यहाँ पे, इसका पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया ये आज हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगला कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, टेक केयर।